हाय फ्रेंड्स, सो इट्स 5:54 अराउंड 6 बजे निकलने का टाइम है। माउंटेड द टैंक बैग, लूप द चेन एंड नाउ विल लीव फ्रॉम हियर। सो टुडेज डेस्टिनेशन इज कन्याकुमारी विच इज़ अराउंड 330 किलोमीटर्स। गूगल इज शोइंग इट विल टेक 5 आवर्स 30 मिनट्स। कल भी यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था टेम्परेचर, सो इट्स टू हॉट एट द डाउन साइड ऑफ इंडिया। सो वी ट्राइंग टू cover as much as possible before the sunrise. The hotel I'm staying here is a Hotel Pearl Residency. It's very good hotel. I've resided here for 2 nights. I prefer it's very good. So if you want, you can check it out, this hotel too. So now let's head to road. So friends, it's exactly 6 o'clock. We left Rameshwaram Hotel. You can see lots of people came here. Hey, dekh lijiye. Majorly I have seen people from UP, Bihar, they come a lot here to take the blessing of Shri Rama, the holy water of Setu. Thandi zara bhi nahi lag rahi hai dosto. Here we are again on Pamban Bridge. Boss, if you want to check it out, whole Pamban Bridge, even the railway bridge, go watch my last vlog. You gonna not regret watching that. Rarely you can see that kind of Pamban Bridge in any vlogs. यार मन तो नहीं कर रहा है इस ब्यूटीफुल जगह को छोड़ के जाने का। क्या क्लाइमेट है यार, ये यू कैन सी दूर दूर तक पानी है वहाँ से, द ब्यूटीफुल शेप्स। यहाँ पे सनसेट होता है, सनराइज दानुषकोटी के यहाँ पे होता है, जो आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा ही होगा। नहीं देखा है, चलो उसकी लिंक दे देता हूँ आई बटन में, अभी देख लीजिए। कल भी जब सन वहाँ पे था ड्यूरिंग सनसेट, या क्लाउड्स आ गए थे वहाँ पे, तो अच्छा व्यू मिला नहीं। बाद में एक थोड़े टाइम के लिए अराउंड 1 मिनट के लिए नीचे सन दिखा, जो मैंने DSLR में कैप्चर कर लिया है। इफ यू गाइस वांट टू सी, लेट मी शो यू नाउ। बस उतने ही टाइम के लिए सन दिखा। पानी औसम है यार, 1500 किलोमीटर आए हम 2 दिन में सिर्फ आप ही को देखने के लिए। नो पार्किंग, आप पार्क कर सकते हो स्पेसिफिक टाइम के लिए, पुलिस की गाड़ी घूमते ही रहती है। तो एक राउंड में आपको एक बार रिक्वेस्ट करोगे, नेक्स्ट राउंड में आप देखोगे तो झट से फाइन मारते हैं, क्योंकि ये बस जो वाले जब आते हैं वो डायरेक्टली अपोजिट लाइन से जो सामने वाले से गाड़ी आती है उसके सामने खड़ी कर देते हैं। दैट मीन वो भी ब्लॉक हो जाए और बाजू वाला तो ब्लॉक है ही, आपको गाड़ी हटानी पड़ती है। ऐसे ही है यहाँ के लोकल बस वाले। सो चलो पंबन ब्रिज, सी यू सून। अगर लाइफ रही तो एक बार ज़रूर विजिट करना चाहूँगा। और ये खत्म। सुबह सुबह ट्रैफिक, क्या हुआ इधर, एक्सीडेंट? अरे बाप रे, फक शिट, लुक एट दिस, अभी हुआ है। वहां पे ब्लड भी दिख रहा है यार ऊपर। चलो देखते हैं कब हुआ सर ये। अभी ओह गॉड शिट, ये ट्रक तो उसके ऊपर ही चढ़ गया यार। देखिए रेडिएटर से धुआं आ रहा है। शिट मैन, यू कैन सी ब्लड और ओवर ओ शिट। इस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ रहेगा, फक मैन, तो उसके ऊपर चढ़ गया है, उसका पूरा ऑयल गिर गया है। यू कैन सी द ब्लड, फक फक कूलेंट, आई थिंक 2% डाइड। शिट मैन, दिस थिंग शुड नॉट हैपन यार, प्लीज, दे हैव समवन एट देयर होम। फक मैन यार, वो जीप ड्राइवर वाले की हालत क्या हुई रहेगी, आई कांट इमेजिन। आप देख लीजिए इस एंगल से, वो देख लीजिए क्या हुआ रहेगा उसका। फक शिट, वो टायर उसका उस गाड़ी के पीछे के डोर के विंडो में घुस गया है। क्या हेड ऑन कोलिजन होगा। फक शिट मैन, शिट, TN सब तमिलनाडु की ही गाड़ियां हैं। टूरिस्ट एक लोग को देखा ना, इतनी गंदी चलाते हैं ना ये लोग। शिट, इट्स व्हील गॉट लॉक यार, दैट्स व्हाई।
फायर ब्रिगेड भी, तमिलनाडु फायर डिपार्टमेंट। यहाँ से धुआं निकल रहा है गाड़ी में से, देखिए इसका इंजन ऑन ही है लगता है, रेडिएटर। नाइट ड्राइविंग ऐसे ही रहती है, दैट्स व्हाई आर देयर शुड बी अ डिवाइडर ऑन रोड ऑलवेज, दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी अवॉइडेड। चेक पोस्ट, फीलिंग टू बैड फॉर दोस टू पर्संस यार, डोंट नो हुज फॉल्ट इट इज बट समवन हैज लॉस्ट देयर लाइफ। ओहो माय फेवरेट रेलवे क्रॉसिंग, cool. So it's 640 and distance we cover is around 43 kilometers. Now there will be one left turn for Kanyakumari. It's exactly 51 kilometers before Rameshwaram. First toll booth. So we have taken the left turn from that last junction. So from here the Kanyakumari is 436 and Google is showing it will take 4 hours 29 minutes. अभी 28 मिनट्स, अभी तक का डिस्टेंस तो बहुत अच्छी तरह से कवर किया है क्योंकि धूप नहीं थी। अभी देखते हैं रेलवे ट्रैक्स एंड लेट मी गिव यू ब्यूटीफुल सनराइज। वाओ ऑसम, क्या रोड है बॉस, देख लो आजू बाजू में कुछ नहीं है, स्ट्रेट रोड। आप सर, आई डोंट वॉन्ट टू किल यू बॉय। फ्रेंड्स यू कैन सी इवन आई एम यूजिंग दिस फोन होल्डर फॉर डायरेक्शन टू, चार्जिंग तो स्टार्ट है ही पर डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बोले देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है, टैंक बैग में रख के तो ऑप्शन ऑलरेडी है अपने पास, बट फोन होल्डर भी कैसा है, उसकी ग्रिप कैसी है, फोन हिलता है नहीं आता है, लेट्स सी। स्टिल आई हैव टू गो 208 किलोमीटर्स, इट विल टेक 3 आवर्स 48 मिनट्स। रोड्स बहुत अच्छे हैं, ये थ्रू स्मॉल स्मॉल विलेजेस जा रहे हैं। बाय द वे द रोड आई एम राइडिंग इज ईस्ट कोस्ट रोड। एक ही स्टाइल के पेड़ हैं यहाँ पे यार, सुपारी डन ऑल। Peacock, 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 I can see peacocks over there, even there also, but I don't think it will be doing justice. सब येल्लो येल्लो दिखता है यहाँ पे तमिलनाडु में, रिक्शा का येल्लो, ट्रक्स के भी आगे पीछे देखिए, आगे बैक साइड और फ्रंट साइड, इवन जो मेटाडोर रहती है उसका कलर, जीप्स का कलर भी येल्लो। तमिलनाडु इज फेमस फॉर येल्लो, दैट इज चेन्नई सुपर किंग। भाई साहब क्या रोड है, भाई साहब एक नंबर। ये कौन आ गए हमारा स्वागत करने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंकल। So just took a tea break, don't know what is the place currently I am at, I can't understand their language because there is no English written over here and still I have to go 248 kilometers for Kanyakumari. Abhi dheere dheere dhoop badhne ko chalu ho gayi hai. So friends we have lots of windmills ahead, ye side pe bhi hai wo side pe bhi hai magar ghoom nahi rahi hai, हवा नहीं है। क्या ये रोड हमें कोई विंड मिल के पास लेके जाता है, लेट्स सी। विंड मिल के पास तो हम गए थे शिरडी जाते वक्त, द फर्स्ट एवर राइड ऑफ माय दिस बीस्ट, बहुत पास से फ़ोटो खींचा था। इफ़ यू गाइस हैवंट चेक, नहीं इंस्टाग्राम पे है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए यार,
अभी तक आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या दिस विंड मिल, वाव क्या ह्यूज है यार, नी बड़ी है, उसके विंग्स तो देख लो कितने बड़े हैं। और जस्ट अराउंड 500 मीटर्स रहेगी यहाँ से, कोई भी विंड मिल से यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे, वहाँ पे दूर दूर तक है, वहाँ पे भी है, वो साइड भी बहुत दूर तक है। ओह हो हो हो, पीछे की तरफ भी है, वो देखिए वहाँ पे भी है, विंड मिल ही विंड मिल है, कूल, क्या यूज है यार, एक नंबर, RR 310 एंड विंड मिल। आप तो हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहे, दो हाईवे चेंज किए फिर भी आप आ रहे हैं हमारे साथ, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप तो बहुत ही पास हो यार, रोड भी था इसके पास जाने के लिए। आई थिंक आई गॉट रेलवे क्रॉसिंग हियर, वाओ, ओहो, दिस आर द रॉ मटेरियल ऑफ ऑल विंड मिल्स, कितने बड़े बड़े विंग है यार उसके, सुपर विंड मिल। तो मुझको यार पास्ट मोर देन 70-80 किलोमीटर से दिख ही रहे कॉन्सर्ट, ये देखिए ट्रक कितना बड़ा बेस है उसका। पार्टी जा रहे हैं, पार्टी में क्या चल रहा है, सुपर बनना सुपर। ये भी है यहाँ पे, और भी आ रही है पीछे से, सब एक लाइन से जाना, सब एक लाइन से, समझे, तुम भी जल्दी चलो। नाउ वी हैव टू टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर, सो से हम लग जाएंगे बड़े हाईवे के ऊपर। अभी तक गूगल माता हमें छोटे छोटे रोड से लेके आ रही थी शॉर्टकट्स, सो अभी डिस्टेंस चलो चलो, अरे लूना है, ओके लूना के पीछे ये सब लगा है, सही है सर सही है। सो यहाँ से अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 85 किलोमीटर, ओहो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, वाह ये तीसरा है, कूल फ्रेंड्स, क्या प्यारा नजारा है यार, सुपर्ब लग रहा है। रेस विद ट्रेन, कौन जीतेगा, तीन तीन इंजन है यहाँ पे, हमारी देखो हॉर्स पावर भी है 310 cc, ये देखो हराया 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 ये। यहाँ पे मिलेंगी ना हमको इस साइड पे, इस ट्रैक पे, कहाँ है देखो, हरा दिया हमने, तीन तीन इंजन थे, तीन तीन इंजन। नागुनेरी टोल प्लाजा, फ्रेंड्स लुक एट दैट फाउंटेन, क्या हाइटेड है और क्या मस्त शेप है उसका यार, उसके पीछे भी एक माउंटेन्स है बहुत बड़ा है उससे, और वो क्लाउड की वजह से पूरा ढका हुआ है, बट क्या ऑसम लग रहा है यार उसकी शेप से, ये डबल है पीछे की तरफ। होप गेट 3 इज डूइंग जस्टिस, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वापस विंड मिल दिख रहे हैं मुझको, सो फिर से शुरू हो गई सब विंड मिल्स। सो इट्स 11:30 एंड आई इंटर इनटू कन्याकुमारी, होटल इज स्टिल 5 किलोमीटर्स अहेड, सो आई हैव रीच्ड माय होटल, होटल चित्रा रेस्टोरेंट, एंड बेस्ट थिंग वी हैव सेफ पार्किंग हियर व्हिच इज मस्ट फॉर ऑल द राइडर्स, आई विल मीट यू नाउ इन रूम। सो फ्रेंड्स होटल में तो पहुंच चुके हैं, बहुत गर्मी यहाँ पे, बहुत गर्मी है, अभी से 12 बजे, सो नाउ लेट मी गिव यू ब्यूटीफुल रूम टूर फॉर यू गाइस। स्टार्ट सिट आउट एरिया, देन वी हैव दिस सिट आउट एरिया टू, फैन,
chairs, light, false ceiling, much needed AC. This is the bed. I love its design, and this is the coolest thing which we have in room. Cool. TV. And now let me give you a beautiful view of Kanyakumari. That is the church where I will go afterwards, and then small road inside the sea, and there is the Swami Vivekananda Museum. You will visit in afterwards. बहुत गर्मी यहाँ पे. What I will do? I will step out from the hotel after 4 o'clock. If you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend. And हाँ, if you all still subscribe to my channel, then I will request you please do subscribe, because बहुत सारे beautiful videos आने वाले हैं. So then please do subscribe to our channel. So this is Sagar signing off. Bye bye.